हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इन जॉब्स को अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तमाम बातें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट की जॉब है, ये 7 स्केल की जॉब है, इसमें 4 के करीब वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, MBA, MSc या LLB की आपके पास डिग्री होनी चाहिए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस फील्ड के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कंप्यूटर पर आपको काम करना आना चाहिए। उसके बाद जो है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, इसलिए 6 स्केल की जॉब है, इसमें 4 के करीब वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर पर आपको काम करना आना चाहिए। एज लिमिट जो इसमें है 30 इयर्स है। तमाम जॉब्स को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 30 इयर्स ही है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 2 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, इसमें 1 वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए डिग्री, और इस फील्ड के रिलेटेड 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जूनियर ऑडिटर की जॉब है, इसके लिए BBA, फाइनेंस, BCom या इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टोर कीपर की जॉब है, इसके लिए इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए ICS क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टोरमैन की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद लैब अटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन और 3 साल का इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस। अटेंडेंट की जॉब है, इसके लिए इसमें 8 वैकेंसीज हैं। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इस फील्ड के रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर की जॉब है, मैट्रिक क्वालिफिकेशन और ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए मिडल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसका लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट 2 की जॉब है, इसके लिए मिडल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने www.parc.gov.pk के वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर ऑनलाइन आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। उसके अलावा इसकी 500 रुपये फी भी है जो कि आपने सबमिट करवानी है। गूगल पर जाकर आपने इनकी वेबसाइट को ओपन करना है और वहां पर जाकर आपने इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है तो आप इसके टेस्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, इसके टेस्ट की तैयारी के लिए आपने testpoint.pk वेबसाइट पर जाना है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट पर जाकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे आना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सर्च का ऑप्शन हमारे सामने आएगा, तो इस पर जैसे अभी हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जॉब की तैयारी करनी है, हम ये लिखेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पास पेपर एंड सिलेबस ये हमारे सामने आएगा, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पास पेपर, PDF बुक, सिलेबस, गेस्ट पेपर, तमाम चीज़ें खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपको इसके तमाम 5 साल पास पेपर मिल जाएंगे और आपकी सारी तैयारी इंशाल्लाह ताला यहाँ से हो जाएगी। टेस्ट पॉइंट बेहतरीन वेबसाइट है। इसके अलावा भी अगर आप किसी जॉब के रिलेटेड किसी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।